Hello student, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Okay student, today we will going to do chapter 9. Okay, last video में मैंने इन question के answer find करने के लिए दिए थे. So first question क्या है? Is there anyone in your class whose language you do not understand or who does not understand your what do you do in a such a case? Do it yourself. इसको आपको खुद से करना है. कि क्वेश्चन है कि अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी लैंग्वेज आप नहीं अंडरस्टैंड करते और हु डज नॉट अंडरस्टैंड यू और वो आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता, व्हाट डू यू डू इन सच अ केस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे, व्हाट डिड यू डू दैट, व्हाई डू यू थिंक कनोवी वुड हैव संग लाउडली. Have you ever seen someone doing something special to get over their fear? What and when? Okay, so students, let's see the answer. First question is, have you ever lost your way? What did you do then? Answer is, yes, I had lost my way a couple of times. I did not panic and dialed my father's number. I told him about my whereabouts. Okay, next question is, why do you think Kanobi would have sing loudly? Kanobi may have wanted to send some signals to the rescue team. Singing a song was a good way to send audible signals. Okay, next question is, have you ever seen someone doing something special to get over their fear? Why and when? Yes, I have seen my sister shouting her eyes during a ride on a giant ferry wheel. She said she did not get over her fear. Okay, next question is, why do you think a train was stuck around the tent? मतलब जब हम टेंट लगाते हैं उनके आसपास गड्ढे क्यों खोदने पड़ते हैं. द ड्रेन वॉज स्टक द कीप ऑफ इंसेक्ट स्कॉर्पियन स्नेक्स एसेट्रा. ओके, द ड्रेन वॉज स्टक टू कीप ऑफ इंसेक्ट स्कॉर्पियन स्नेक्स एसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचर्स? व्हाई? Some of the other adventurous activities are river rafting, scuba diving, hang gliding, etc. Okay student, so ये question हमने किए, so ये आपका homework है, question आपको notebook पे लिखने हैं. Let's start next reading. Okay, let's start reading. Okay, a special guest, 15 February 1984. After dinner we meet a special guest. ओके, पेचेंद्री पर शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज पार्ट ऑफ द टीम. ओके, टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञानचंद. इट वॉज हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग. पेचेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेटू पाकू बारा मासा काफल पाका चैत्य मेरी चला. ये पहाड़ी सॉन्ग है ना. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट वेजेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. ओके, कैंप इन द स्नो. अब स्नो में कैसे कैंप लगाया? 18 February 1984. We were standing at height of, ठीक है, हम height में थे 21-34 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. We used double layered plastic sheet for the tent and for the ground. The air between the layer would help to keep us warm. We put in the big sand. Began to put up the tent. As we tied it
फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम अदर साइड. ठीक है, जब वो टेंट मतलब लगा रहे थे एक साइड से तो दूसरी साइड से हवा आके उनका टेंट उखाड़ रही थी. एज वी टाइड अप फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू टेंट फ्रॉम द अदर साइड. आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप दैन वी टग ड्रेन अराउंड द टेंट. बहुत मेहनत करने के बाद हमने फाइनली टेंट लगा लिया. ठीक है, वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. अब हमें बहुत भूख लग रही थी. वी कलेक्टेड सम फायरवुड. हमने फायरवुड कलेक्ट की एंड स्टोन टू मेक अ चूल्हा. एंड चूल्हा बनाया एंड कुक्ड सम फूड और कुछ फूड बनाया. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप से. जब हमने खाना बनाने के बाद पूरा वेस्ट उठाया कलेक्ट किया. ठीक है, सून वी गॉट इन टू अवर स्लीपिंग बैग. जल्दी हम अपने स्लीपिंग बैग में सोने जा रहे थे. आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट. ठीक है, हम श्योर नहीं थे कि हम इसमें अच्छे सो पाएंगे. वुड इट बी कम्फर्टेबल. वुड आई नॉट फील कोल्ड. बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फैदर्स विच हैज बीन कीपिंग अस वार्म. वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी ऑल अस. ठीक है, तो जो स्लीपिंग बैग थे उनमें बहुत पैदल थे वो जो वॉर्म थे. और जैसे हम मतलब उसमें स्लीपिंग बैग में गए और वो हम बहुत थके हुए थे और हमको बहुत जल्दी ही नींद आ गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि बर्फ पड़ी है. वाइट सॉफ्ट फरी स्नो फ्लैक्स वॉज जेंटली फॉलिंग. वॉव इट वॉज सो ब्यूटिफुल. द प्लांट द ट्री द ग्रास एंड द माउंटेन एवरीथिंग लुक्ड वाइट. टुडे वी वर टू क्लाइंब हायर टू 2700 meters. वी वॉक्ड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक. इट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज वी कैप्ट स्लीपिंग बैग. By afternoon we had reached snow-covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. Okay student, remaining chapter हम next video में read करेंगे. Okay, now time to say bye. Bye student, have a nice day.